कांग्रेस ने फूका भाजपा सरकार का पुतला, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के लगाए नारे। आपको बता दें कि होली का त्योहार नजदीक आते ही रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसी के चलते आज खटीमा मुख्य चौक पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सरकार द्वारा होली के पूर्व गैस व बिजली के बढ़ाए गए दाम, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया है। साथ ही भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को संविदा पर भी बताया गया है। ये भाजपा की सरकार द्वारा ध्यान बांटकर महंगाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। होली का त्योहार है तो पूरे देश में अडानी को लेकर ये मामला चल रहा है। लोग परेशान है पैसे को लेकर, हर चीज को लेकर त्योहार मना नहीं पा रहे हैं और इस त्योहार के करीब आकर इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए। उसके बाद इसकी आड़ में इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंच नहीं रही है और बिल चार चार गुने, पांच पांच गुने बिल ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। लोग परेशान है, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी है कि एक आम आदमी बिजली का बिल पूरा नहीं कर पा रहा है और गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ा दिए। क्या पकवान बनाएगा लोग, क्या त्योहार मनाएंगे? और उसके बाद देखिए आप इनकी हठधर्मिता, इनकी बेशर्मी देखिए कि महंगाई खुद बढ़ा रहे हैं। सरकारें इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है और पुतला हमारे विधायक का भुगत है। यानी कि ये पूरे प्रदेश में और पूरे खटीमा में ये साबित हो गया है, एक निकम्मा मुख्यमंत्री, एक निकम्मी सरकार उत्तराखंड में चल रही है। जब वो किसी के काम नहीं कर पा रहा है तो आज भाजपा के लोग भी उम्मीद की किरण भुवन कापड़ी में नजर आ रही है, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो विकास करे और उसका पुतला फूंक रहे हैं। ये भाजपा के लोग पहले ये साबित करे, ये हमसे लड़ना कौन चाहता है? असली भाजपा हमसे लड़ना चाहती है या जो संविधान भर्ती हुए भाजपा के अंदर वो लोग हमसे लड़ेंगे, या प्रवासी पक्ष की तरह कुछ नेता आए हैं निकल के जो संविधान में बीजेपी में भर्ती हुए हैं? जेल में इनके चुनाव के टिकट की दावेदारी को लेकर कोई पुतला फूंक रहा है, कोई लाल बत्ती की दावेदारी को लेकर पुतला फूंक रहा है? मैं इसको भाजपा नहीं मानता हूँ। ये संविदा में लोग भर्ती हुए भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो लोग यहाँ खटीमा का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें इसलिए कांग्रेस से निकाला गया था कि उन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया था। उन्होंने जहाँ जहाँ पुतले फूके हैं मैं चैलेंज करता हूँ उनको। उन्होंने जमोर में पुतला फूका है, मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ एक जनसभा जमोर में वो करके दिखाएं और एक जनसभा में भुवन कापड़ी करके दिखाते अगर पांच आदमी भी हमारे कंपनी में मिस्त्री बदलवा देंगे।